हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखिए, इनमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम कॉमनली देखा जाता है वो है कि हमारा कंप्यूटर टाइम के साथ स्लो हो जाता है। सो दैट्स ए वेरी बिग ट्रबल। तो उसके लिए देखिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बेसिकली हमारे सी ड्राइव में, जिसको हम प्राइमरी ड्राइव बोलते हैं, उसमें सेव होते हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर डालते जाएंगे, फाइलें सेव करते जाएंगे, तो सी ड्राइव फुल हो जाएगी। तो जैसे ही सी ड्राइव फुल हो जाएगी, जब फुल के नज़दीक होगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है कि आप देखिए, रिसाइकल बिन को चेक करिए, रीसाइकल बिन को खाली करिए, क्योंकि रीसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी जो भी डिलीटेड फाइल्स हैं वो सेव होती हैं। तो उसको डिलीट करने से कुछ मेमोरी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके अलावा कंट्रोल पैनल पे जाके जो भी सॉफ्टवेयर अननेसेसरी आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको भी अनइंस्टॉल कर दें, तो उससे भी कुछ स्पेस रिलीज़ हो जाएगा। उसके अलावा हमारे सिस्टम में कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन .tmp होती है, आप उसको सर्च करके भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको सी ड्राइव का साइज चेक करना है, तो विंडोज़ के हर कंप्यूटर पे MyPC या कंप्यूटर नाम से एक फोल्डर होता है, उसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से, ये देखिए मैंने एक डायग्राम छोटा सा शेयर भी करा है, तो देखिए यहाँ पर सी ड्राइव जो है वो दिखा रहा है कि इतना फ्री है 111 GB में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो ज़्यादा तौर पे फिल हो चुकी है, तो आपको थोड़ा डाटा इसमें से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये और ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे रेड बन चुका है बेसिकली। तो रेड का मतलब ही ये है कि जो उसकी स्टोरेज है वो काफ़ी फिल हो चुकी है और आपको थोड़ा सा स्टोरेज कम करना चाहिए। उसके अलावा ये तो हो गया कि आपने ड्राइव चेक करी है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, जो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाती हैं जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। तो वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विंडो में सर्च करिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल। जब आप ये वर्ड सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। अब इसमें बड़ी सारी टैब्स होती हैं, जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप एंड टूल्स। अब स्टार्टअप पे जाके आप देख सकते हैं जो जो एप्लीकेशन, जो जो सॉफ्टवेयर्स आपके ऑटोमेटिकली लोड हो रहे हैं विंडो स्टार्ट होते, कंप्यूटर स्टार्ट होते, उनको आप चाहो तो यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं या सभी को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यदि आपको नहीं पता कि किसको डिसेबल करना है, तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए, अदरवाइज सिस्टम आपका प्रॉब्लम दे सकता है। देन कंप्यूटर हैंग। अब अगेन, कंप्यूटर हैंग कभी भी हो सकता है, और कंप्यूटर हैंग होने के जो मेन रीजंस होते हैं, वो पहला है वायरस आ गया। तो वायरस का तो इलाज एंटीवायरस है, तो आपके पास कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मार्केट में बड़े सारे एंटीवायरस अवेलेबल हैं। वैसे विंडोज़ का अपना एक कंप्यूटर डिफेंडर करके आता है, डिफेंडर आप इंस्टॉल करिए, तो वो विंडोज़ ऑटोमेटिकली आपको वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अदरवाइज क्विक हील है, K7 है, इस तरह के बड़े सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके सिस्टम को वायरस से बचा सकते हैं। उसके अलावा फॉल्टी SMPS होती है हमारे सिस्टम की पावर सप्लाई। ये CPU के या कैबिनेट के अंदर लगती है, तो अगर यदि आपकी SMPS भी ख़राब हो जाए तो सिस्टम हैंग हो सकता है। तो उसका इलाज एक ही है कि SMPS को चेंज कर दें, नया लगवा लें, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको पता होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में बड़े सारे कूलिंग फैंस होते हैं, जैसे कि एक फ़ैन SMPS पे होता है, उसके अलावा जो हमारा CPU है, जो चिप होती है, प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर भी फ़ैन लगा हो। तो यदि कोई भी फ़ैन आपका ख़राब है, तो इट्स बेटर कि आप उसे चेंज कर दें, नया फ़ैन लगवा लें, ताकि आपका सिस्टम हैंग ना हो। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम यदि करप्ट हो जाए, विंडोज़ करप्ट हो जाए, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है। तो उस केस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की फ्रेश कॉपी को इंस्टॉल कर लेना चाहिए।
देन अगली प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर रन स्लो। सॉफ्टवेयर चलने स्लो हो चुके हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सॉफ्टवेयर स्लो चलने के दो ही रीज़न होते हैं मेनली। पहला ये है कि आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर स्लो है, आपका सीपीयू जो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, और जो नया सॉफ्टवेयर है या हैवी सॉफ्टवेयर है वो उस पर प्रॉपर नहीं चल पा रहा, तो उस केस में आपको मदरबोर्ड सीपीयू नया लगाना चाहिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा यदि सिस्टम की रैम मेमोरी कम है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है सॉफ्टवेयर के स्लो चलने के पीछे, तो उस केस में आपको रैम बढ़ा लेनी चाहिए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। ये देखिए, मैंने ये डिफरेंट प्रोसेसर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी एक छोटा सा टेबल मैंने दिया है। जैसे देखिए, कोर i3 या राइजन i3, कोर i3 जो है ये इंटेल का प्रोडक्ट है, राइजन AMD का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पैरेलल में मार्केट में मिलते हैं। अगर ये बात करूँ CPUs की, प्रोसेसर्स की, तो आप देख लीजिए इसमें क्लियरली मैंशनड है जो कोर i3 राइजन i3 है वो बेसिक ऑपरेशन के लिए है, लाइक आपको डोमेस्टिक यूज़ करना है तो उस केस में आप इस प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। यदि आपका मिडल लेवल यूज़ है, ऑफिस में है और आपको लगता है काफ़ी यूज़ होगा लैपटॉप या आपका CPU PC, तो उस केस में i5 आप लगवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं गेमिंग लैपटॉप है या आपको हाई एंड ग्राफिक्स का यूज़ करना है तो आप कोर i7 या राइजन 7 भी परचेज कर सकते हैं। एंड यदि आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप i9 या राइजन 9 जो है ये दोनों ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट तरह के CPUs अवेलेबल हैं, उनके बारे में देखिए थोड़ा सा, उनकी क्लॉक स्पीड बारे में बताया गया है और कितनी कोर्स हैं उसके बारे में भी इस टेबल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आप देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी CPU लगवा सकते हैं। ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन तो नहीं है बट ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखता है और जिसमें देखिए जनरली इसने एक नंबर भी दे रखा है, ये देखिए। तो इस केस में क्या किया जाए? देखिए, ये दो रीज़न से आता है प्रॉब्लम। पहला, आपकी रैम की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको रैम को डिटैच करना है, मतलब हटाना है मदरबोर्ड से, दोबारा लगा दें तो प्रॉब्लम जनरली सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व नहीं होता तो आपको रैम को चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा ये प्रॉब्लम विंडोज़ रिलेटेड भी हो सकती है, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राइवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एरर कोड देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें एरर क्या है। उस एरर कोड को ऑनलाइन सर्च करिए, गूगल करिए, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये कई बार मैसेज आता है, रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर डिवाइस मैसेज, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसका रीज़न बड़ा क्लियर है, इसके दो रीजंस होते हैं, या तो बूटेबल डिस्क को सिलेक्ट नहीं करा गया और या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट है। तो यदि बूटेबल डिस्क सिलेक्ट नहीं है तो आप जब जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है तो आप कीबोर्ड से F8 या डेल की प्रेस करेंगे तो स्टार्टअप स्क्रीन खुलेगा, उस स्क्रीन में जाके आप प्रॉपर बूटेबल डिस्क को चूज़ कर सकते हैं, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा डालना पड़ेगा, तो वो भी आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इंटरनेट नॉट वर्किंग, अब इंटरनेट हमारे PC पे लैपटॉप पे नहीं चल रहा, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उस कंपनी जिससे आपने इंटरनेट ले रखा है उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो ये आप उनसे बात करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि आपके कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, आपका राउटर ख़राब हो सकता है, मॉडेम में प्रॉब्लम हो सकता है, वायर टूटी हो सकती है, या कुछ ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इससे आपकी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कीबोर्ड माउस नॉट वर्किंग, हमारे सिस्टम का कीबोर्ड माउस नहीं चल रहे तो उसके तीन तरीके हैं। पहला, आप डिटैच करिए, रीअटैच करिए, कीबोर्ड माउस को उतारिए, दोबारा लगा दीजिए, तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर सॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम तो आपको दूसरा कीबोर्ड या दूसरा माउस लगा के देखना चाहिए, हो सकता है कि आपके कीबोर्ड या माउस में प्रॉब्लम हो। और अगर ये भी सोल्यूशन नहीं दे पाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा सिस्टम हैंग तो नहीं है। यदि सिस्टम हैंग हो तो उसके रिलेटेड फिर आपको उसके बारे में बता रखा है मैंने कि क्या करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क फेलियर,
अब किसी वजह से आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी हार्ड डिस्क की जगह पे नया हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी फाइल्स का रेगुलर बैकअप लें, डॉक्यूमेंट्स को संभालें, किसी एक्सटर्नल ड्राइव में डाल सकते हैं, क्लाउड पे डाल सकते हैं, पेन ड्राइव हैं, डीवीडी हैं, तो इस तरह से आपको अपनी फाइल्स का, सिस्टम का, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं खासतौर पे यूजेबल डॉक्यूमेंट्स, उनका बैकअप लेते रहना चाहिए कि कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो आपका डाटा आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रोजन स्क्रीन, ये भी एक प्रॉब्लम है जो अक्सर आपको परेशान कर सकती है। और फ्रोजन स्क्रीन में क्या होता है कि स्क्रीन हैंग हो जाती है और आप काम नहीं कर पाते, तो इसका रीज़न होता है कि अगेन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वैसे तो कंट्रोल ऑल्ट डायल करने पे या सिस्टम को रीबूट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यदि नहीं होती है तो फिर आपको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। नॉइस फ्रॉम कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में बड़ी सारी डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से आवाज़ आ सकती है, जिसमें पहला तो है हार्ड डिस्क, और यदि हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी आवाज़ कर रही है तो ये मान के चलिए वो क्रैश होने वाली है, तो आपको हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर लेना चाहिए और उसके अलावा डाटा का बैकअप ले लेना चाहिए। और ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल होता है जिसमें सीडी डीवीडी हम चलाते हैं, रन करते हैं, तो वो भी आवाज़ करती हैं, तो अगर ज़्यादा आवाज़ करे तो अगेन रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑप्शन है। और उसके अलावा कूलिंग फैंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सिस्टम में बड़े सारे फैंस होते हैं, और फैंस भी जब मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, तो आवाज़ करते हैं, लेकिन अगेन अगर ज़्यादा आवाज़ है तो चेंज करना ही ऑप्शन है। ओवरहीटिंग, सिस्टम जो है वो हीट हो रहा है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए अगेन हमारे सिस्टम में बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं जो वर्क करते हैं, और हीटिंग तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो सिस्टम पे बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो आपको पता होना चाहिए जो हीटिंग है उसमें सीपीयू हीट हो सकता है, मदरबोर्ड हीट हो सकता है, एसएमपीएस है, उसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स हैं, तो सिस्टम को ओवरहीटिंग से बचाना पड़ेगा ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका सिस्टम ख़राब ना हो, आपको सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा अनएबल टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो देखिए उसके बेसिकली 5 रीजंस हो सकते हैं। पहला, कंपैटिबिलिटी इशू है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की और सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए विंडोज़ 10 है, अब विंडोज़ 10 पे ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते जो विंडोज़ 98 पे चलते थे या विंडोज़ 2000 पे चलते थे, तो इसका मतलब कंपैटिबिलिटी है, तो वो इंस्टॉल नहीं होंगे। और यदि करना है तो कोई एमुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन, आप उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके अलावा कंप्यूटर जो आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, आपका हार्डवेयर पुराना है, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, तो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को वो मीट ही नहीं कर रहा, तो इंस्टॉल कैसे होगा। और उसके अलावा स्टोरेज स्पेस कम है, यदि स्टोरेज स्पेस कम है तो इंस्टॉल नहीं होगा। उसके अलावा हार्डवेयर फेलियर, कोई हार्डवेयर करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो वो भी इंस्टॉल नहीं होने देगा। एंड कुछ आपकी DLL फाइल्स हैं, डोनर फ्रेमवर्क मिसिंग है, तो ये भी रीजंस हो सकते हैं नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो पाने के। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ रीस्टार्ट्स, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है, उसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ का अपडेट लगा हुआ है या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है, CPU हीट हो रहा है। तो अब तीनों रीजंस को आपको इन डेप्थ जाके देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। और यदि तो विंडोज़ अपडेट है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जब विंडोज़ अपडेट हो जाएगा तो सिस्टम द्वारा नॉर्मली चल पड़ेगा। यदि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है या CPU हीट हो रहा है, तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिस्टम क्रैशेज बिफोर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, बंद हो गया। अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फ्रेशली डाला है तो वो कई बार रीस्टार्ट मांगता है, तो वो रीज़न हो सकता है, तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो चल पड़ेगा। और दूसरा है पावर फेलियर है, पावर फ्लक्चुएशन है, या किसी वजह से सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये वाला केस है तो आपको अगेन चेक करना पड़ेगा, और यदि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो अगेन मैकेनिक तो ऑप्शन है ही आपके पास। और मॉनिटर नॉट शोइंग एनीथिंग, आपके मॉनिटर पे कुछ भी शो नहीं हो पा रहा, तो उसके बेसिकली 3 रीजंस हैं मुझे पता है। पहला है कि आपकी केबल चेक करिए, जो तार होती है बैक साइड पे,
और कई बार लूज केबल की वजह से मॉनिटर कुछ डिस्प्ले नहीं कर पाता, तो अगर तार को टाइट करेंगे तो आपका डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड फेलियर हो सकता है, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस केस में या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करा सकते हैं। और रैम की प्रॉब्लम की वजह से भी सिस्टम मॉनिटर को शो नहीं करेगा, तो इस केस में भी क्या है, या तो रैम को डिटैच करके दोबारा अटैच कर दें या रिप्लेस कर लें। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीके हैं जिसकी वजह से मॉनिटर डिस्प्ले नहीं करता, और उसके सोल्यूशन मैंने आपको साथ में दे रखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके।